नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के मेरे चैनल टेक्टोली के अंदर। दोस्तों यार, आज की जो वीडियो है ना, इसके अंदर अपने यहाँ पे बात करने वाले हैं गूगल एडवर्ल्ड के बारे में। तो दोस्तों यार, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इंडिया के अंदर जो है एड वगैरह अभी रन नहीं कर रही है, लेकिन वो लोग अपनी जो एड इंडिया के अंदर रन करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों यार, आज का जो वीडियो है ना, इसके अंदर आपको जो यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है कि अगर आप जो गूगल एडवर्ल्ड के द्वारा अपने वीडियोज़ को यहाँ पे जो प्रमोट करते हो और आपका जो वीडियो है या फिर आपकी वेबसाइट है या फिर जिस भी प्रोडक्ट को आप जो गूगल एडवर्ल्ड के प्रमोट कर रहे हो वो इंडिया के अंदर प्रमोट नहीं हो रहा है, तो इसका दोस्तों यहाँ पे क्या सोल्यूशन है। देखो भाई लोगों, मैंने पिछली बार भी एक जो वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने गूगल एडवर्ड की टीम से बात की है, उन्होंने बोला है कि कोई टेक्निकल इशू है। हर बार वो यही बोलते हैं, चार महीने से जो है ज्यादा के यहाँ पे समय हो चुका है, लेकिन हर बार वो यही चीज बोलते हैं कि कोई टेक्निकल इशू है। लेकिन मैंने अभी हाल ही के अंदर 2 या 3 दिन पहले उनसे जो है संपर्क किया था और मैंने उनसे बोला था कि सर, मेरा जो एड है वो इंडिया के अंदर रन नहीं कर रहा है, अदरवाइज जो भी यहाँ पे कंट्रीज है उन सभी के अंदर मेरा जो एड है वो रन कर रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर मेरा एड रन नहीं कर रहा है। तो पहले दोस्तों यहाँ पे क्या होता था, आज से लगभग 2 या 3 महीने पहले की बात है, जब गूगल एडवर्ड ये चीज़ बोलता था कि आपका वीडियो 50 सेकंड से यहाँ पे जो है नीचे का वीडियो होना चाहिए और अगर आपने जो 50 सेकंड से ऊपर का वीडियो अगर क्रिएट कर दिया है तो वो एड आपकी इंडिया के अंदर रन नहीं करेगी। और दोस्तों काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे जो भारी भरकम जो नुकसान हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर जो अपनी वेबसाइट का, अपने ब्लॉग का, अपने यूट्यूब चैनल का, अपने वीडियोज़ का यहाँ पे जो प्रमोशन वगैरह करते हैं, लेकिन पिछले 4-5 महीने से कोई भी बंदा यहाँ पे जो प्रमोशन वगैरह नहीं करा। लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी एड अभी भी जो इंडिया के अंदर रन कर रही है, तो उनका जो टॉप सीक्रेट है ना, वो आज इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको जो बेसिकली यहाँ पे जानकारी बताने वाला हूँ, आप लोग गूगल एडवर्ड को अगर यूज करते हो तो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे जो है समझ में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अपने जो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो आपको जो गूगल एडवर्ड को यहाँ पे जो ओपन कर लेना है, और दोस्तों गूगल एडवर्ड को ओपन करने के बाद में सबसे पहले आपको जो कॉन्टेक्ट अस के ऊपर चले जाना है। बिल्कुल आप लोग सही समझे, आपको जो कस्टमर केयर वालों से बात करनी है, लेकिन आपको क्या बात करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने उन लोगों से बात की थी कि सर, मेरा जो एड है वो इंडिया के अंदर रन नहीं कर रहा है, तो मैं अभी क्या करूँ, मुझे पिछले 5 महीने से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने मुझे बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, आपको अगर इंडिया के अंदर एड को रन करवाना है ना, तो हम आपके चैनल को यहाँ पे जो इसके अंदर सिस्टम के अंदर जो है डाल देते हैं ताकि आपकी जो एड है वो इंडिया के अंदर रन कर जाएगी। अभी क्या हुआ कि गूगल एडवर्ड ने कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से या फिर काफ़ी सारे ऐसे झंझट हैं जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताए थे कि लोग गलत तरीके से गलत चीज़ों का जो प्रमोशन वगैरह करते हैं, तो इसीलिए जो पॉलिसी है इनकी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाली है। लेकिन इन लोगों ने मुझे बताया कि ठीक है, आपका ये चैनल है, आपने वीडियोस को प्रमोट करने हैं, तो हम आपके चैनल को अपने सिस्टम के अंदर डाल देते हैं, अब से आप जब भी अपने वीडियोस को प्रमोट करोगे तो आप इंडिया के अंदर अपनी एड को रन करवा सकते हो। और दोस्तों आप लोगों ने भी जो है यूट्यूब के ऊपर देखा होगा कि काफ़ी सारे बंदे हैं जिनकी एड अभी भी जो रन कर रही है, आपके यहाँ पे जो ऊपर बैनर सा एक बना हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको यूट्यूब के ऊपर, काफ़ी सारे लोगों की एड वगैरह यहाँ पे रन कर रही है, लेकिन हम लोगों की एड बिल्कुल भी रन नहीं कर रही। तो आपको जो है सिंपल तरीके से कॉन्टैक्ट अस के ऊपर जो है चले जाना है, आपको उनसे बातचीत करनी है और आपको उनको बोलना है कि मेरी जो एड है वो इंडिया के अंदर रन नहीं कर रही है। तो वो आपको जवाब देंगे कि सर, यहाँ पे जो टेक्निकल इशू है, कुछ ऐसा है सिस्टम है। तो आपको कहना है कि कोई दिक्कत नहीं है, जो टेक्निकल इशू है वो तो आप एक साइड में यहाँ पे जो रख दीजिए, लेकिन मेरी जो एड है आप उनको इंडिया के अंदर रन करवाइए, मेरा जो यहाँ पे चैनल है, मेरी जो गूगल एडवर्ड की आईडी है आप उसे सिस्टम के अंदर डाल दीजिए ताकि जो मेरी एड है वो इंडिया के अंदर रन कर सके। क्योंकि सिस्टम ही दोस्तों कुछ इसी तरीके का हो रखा है, जब तक इनका न्यू अपडेट नहीं आ जाता तब तक आपकी एड रन नहीं करेगी, लेकिन आप उनको अगर बोलोगे ना तो वो आपकी एड को 100% यहाँ पे जो रन करवा देंगे। मैंने 25 से 30 एड यहाँ पे जो है गूगल एडवर्ड के अंदर लगा करके छोड़ दी थी, लेकिन इंडिया के अंदर एक भी एड मेरी यहाँ पे जो रन नहीं कर रही थी। तो फाइनली मैंने उन लोगों से बातचीत की, 1 बार की 2 बार की 5 बार की 10 बार मैंने उन लोगों से बातचीत की, आखिरकार उन लोगों ने बोल दिया कि ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो एड है वो अभी से इंडिया के अंदर रन करना स्टार्ट कर देगी, और पिछले कुछ दिनों से जो मेरी एड है वो इंडिया के अंदर रन भी कर रही है। तो दोस्तों यार, इसके अलावा जो है ना कोई भी तरीका नहीं है। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है, वो बताते हैं कि आप ये चीज़ फॉलो करो, आप इसके अंदर ये सेटिंग ऑन कर दो, आप इसके अंदर ये कर दो, आप टर्मिनेटर यहाँ आप यहाँ पर जो टर्मिनेटर जो कंट्रीज़ होती है उनको आप इस तरीके से सेट कर दो, आपकी एड इंडिया के अंदर रन। यार दोस्तों, अगर आपको एड इंडिया के अंदर ही रन करनी है ना, तो आपको
कोई भी यहाँ पे सेटिंग वगैरह जो इसके अंदर छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो कस्टमर केयर वाले हैं वो लोग ही आपकी ऐड को रन करवा सकते हैं, इसके अलावा किसी के पास में कोई भी इलाज नहीं है। तो दोस्तों सिस्टम मैंने आपको सारा बता दिया, सिंपल तरीके से आपको गूगल एडवर्ड के अंदर जाना है, वहाँ पर आपको जो कॉन्टैक्ट अस के ऊपर चले जाना है, आपको उन लोगों से बातचीत करनी है, उनको बोलना है कि मेरी एड इंडिया के अंदर रन होनी चाहिए। तो वो आपको क्या जवाब देंगे, ज़्यादातर तो लोगों को यही बोलते हैं कि कोई टेक्निकल इशू है, लेकिन आपको बोलना है कि नहीं, मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और मेरे जो यहाँ पे चैनल है या फिर मेरी वेबसाइट है या फिर मेरा जो ब्लॉग है उसके अंदर अगर मैं जो है एड वगैरह को रन नहीं करवाऊंगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा समस्या हो जाएगी। तो वो आप लोगों को बोल देंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका जो आईडी है उसको सिस्टम के अंदर डाल देते हैं और 3 या 4-5 दिनों के अंदर आपकी एड जो है इंडिया के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों यार आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरीके से जो है जानकारी समझ में आ गई होगी। दोस्तों इसके अलावा आपके पास कोई भी इलाज नहीं है, ये एक फाइनल तरीका है जिसे आप यूज कर सकते हो अगर आपकी ऐड को वो यहाँ पर रन करवा देते हैं तो सबसे बेहतरीन है। अगर नहीं करवाते हैं तो आप जब बार बार 2-3 बार उन लोगों से प्रयास करते रहो, कभी ना कभी आपकी जो ऐड है वो इंडिया के अंदर रन हो जाएगी। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर तो बताइए यार दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।